श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय पर मिशन शक्ति फेज 3 नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। जनपद के 75 महिलाओं को बेहतर कार्य के लिए सम्मान पत्र देकर किया गया सम्मानित। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन बनाना हम सबका है दायित्व। अध्यक्ष जिला पंचायत श्रावस्ती, नारी के सम्मान से ही बढ़ेगा देश का गौरव। जिलाधिकारी, विशेष अभियान चलाकर महिला व बालिका अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से देश की माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण, माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ से मिशन शक्ति पेज 3 का शुभारंभ किया। इस क्रम में जिले के कलेक्ट्रेट तथागत हाल में भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा, जिलाधिकारी टी के सिबू एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने मिशन शक्ति पेज 3 नारी सुरक्षा नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन का शुभारंभ किया। इसके अलावा मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। ज्ञातव्य हो कि यह कार्यक्रम 21 अगस्त 2000 से 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा, जो जनपद के समस्त तहसीलों, ब्लॉकों, पंचायतों, शहरी निकायों व थानों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूकता प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा ने मिशन शक्ति फेज 3 का अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समाज के हम सब का दायित्व है और हर वर्ग के लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक कर उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बिना भेदभाव के हम अपनी बेटियों को भी पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही इस दौरान भारी संख्या में जिले भर से आए हुए अधिकारियों महिलाओं ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का मामला। किया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी। नारी सशक्तिकरण के इस दौर में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी मिशन शक्ति योजना के तीसरे चरण का आज शुभारंभ उत्तर प्रदेश की धरती से ही मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में आज तीसरे चरण का मिशन शक्ति का शुभारंभ हो रहा है। और मैं समझता हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जब से उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और जैसा कि हमने अपने संकल्प पत्र में भी संकल्प व्यक्त किया था कि नारी सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वावलंबन, इस दिशा में बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही हैं। और ये मिशन शक्ति का तीसरा चरण महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। इसका अभी एक ताज़ा तरीन उदाहरण मैं विगत में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायतों के चुनाव में देखने को मिला है। 33% का यहाँ महिला आरक्षण लागू है, बावजूद इसके अबव 50% 50% से अधिक महिलाएं जो है पंचायतों के विभिन्न चरणों में चुन करके आई हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। ये हमारी सरकार की नीतियों का प्रतिफल है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में जो है पुरुषों की बराबरी करने के लिए सक्षम हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 विभागों के साथ जो है विभिन्न कार्यक्रम करने हमको 130 दिन के लगभग 31 दिसंबर 2021 तक चलेंगे, जिसे महिला सशक्तिकरण और बाकी अन्य जो उनके सेल्फ डिफेंस के लिए और साथ में जो गाँवों में और साथ में जो शिक्षा के क्षेत्रों में उनके जो योगदान और बाकी लोगों को जो है सम्मानित भी करेंगे हम लोग।
और साथ ही साथ जो है उनके अपने दायित्व का और फिर उनके जो अपने हकों का जो है उनको जानकारी दी जाएगी और उनको जो सशक्त बनाया जाएगा। आज मिशन शक्ति फेज 3 का आगाज हुआ है जो 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें महिलाओं को बच्चियों को जो जिले में गांव में दूर दराज में रह रही हैं उनको जागरूक करना है, ये मिशन है। और इसके अलावा जो उनको जो इस प्रकार के अपराध होते हैं उनका चिन्हीकरण करके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई और जो पूर्व के अपराधी हैं उनका सत्यापन करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना, ये मिशन शक्ति के उद्देश्य हैं। हम लोगों ने एक शक्ति मोबाइल भी आज चलाई है जो पूरे जनपद में दूर दराज गाँव में हर क्षेत्र में जाएगी, उसमें महिलाएं रहेंगी, वो उनको जागरूक करेंगी, काउंसलिंग करेंगी और यथासंभव मदद करेंगी।